Greeting students, today we will start with economics and we will do from chapter 1, that is development. So we will start from the chapter development and start with economics. Firstly, we must clear with the meaning of economics. What is economics? What actually economics is? Economics is related to the money concepts, money matter of a nation. जब भी हम इकोनॉमिक कंडीशन की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, इनकी बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? मनी मैटर्स. सो टुडे वी विल डू अबाउट द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मींस किस तरह से इकोनॉमी डेवलप कर रही है या हमारी पर्सनल डेवलपमेंट किस तरह से होती है, दैट इज द थिंग. सो द वेरी फर्स्ट थिंग, डेवलपमेंट. डेवलपमेंट हैज मेनी एस्पेक्ट्स. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड एंड इनकम इज द मोस्ट कॉमन मैथड फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट, दैट इज इनकम मैथड इज एक्चुअल अ वीकनेस. देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, डेवलपमेंट. आपको इससे पहले एक चीज देखनी है, देयर आर टू कंसेप्ट, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. हम दो चीजें करते हैं, या तो वो डेवलपमेंट होती है या फिर ग्रोथ होती है. ग्रोथ एक नैरो कंसेप्ट है, डेवलपमेंट क्या है, ब्रॉडर कंसेप्ट है. How it is a narrow concept and how it is a broader concept. Growth. If I am saying a child is growing, growing from age, from height, from can be anything. When we are defining a particular aspect, that is a particular aspect. किसी particular aspect के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, that is a growth. वो क्या है हमारी growth? If I am saying a child is growing, its height is growing, age is growing. तो हम मैंने एक particular aspect लिखा कि उसकी क्या चीज grow वो हाइट है, वो एज है, कुछ भी, ठीक है. बट डेवलपमेंट इट इज फॉर ऑल. जब हम हर एक चीज के बारे में बात करें, जब सारे पर्टिकुलर्स इकट्ठे डेवलप होते हैं, मतलब सारी चीजें, अगर एक चाइल्ड ग्रो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ग्रोथ कैसे, ग्रो कैसे हो रहा है या फिर डेवलप कैसे हो रहा है. ग्रो तो किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में होगा, बट डेवलप कैसे होगा, डेवलप में उसका क्या आएगा? फर्स्ट चीज, वो ऑल ओवर पार्ट में होगा. ऑल ओवर होगा, कैसे होगा, कि उसकी हाइट भी ग्रो होगी, उसकी एजुकेशन स्किल्स भी ग्रो हो रही है, उसकी मोटर स्किल्स भी ग्रो हो रही है, तो वो क्या है, उसकी डेवलपमेंट है. सो दिस इज अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ वी विल कम अबाउट फॉर द चैप्टर, दैट इज डेवलपमेंट हैज मैनी आस्पेक्ट्स. नाउ वी आर सेइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इफ वी आर सेइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज मेजर्ड इन इनकम. जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये किस में मेजर होगा, इनकम में, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो हम कैसे मेजर करते हैं, हमारे इनकम्स के थ्रू, हमारे जो इनकम सोर्सेज होते हैं. तो ये क्या हो गया, इकोनॉमी जब हम डेवलप करेंगे वो किससे होगी, इनकम से होगी. और हम क्या यूज करते हैं, इनकम मेथड का यूज करते हैं. सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट पार्ट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ इट कैन बी सर्टेन. सी देयर आर सर्टेन टर्म्स. टर्म्स कैसे होती है, लाइक पर कैपिटा इनकम हम मेजर कर रहे हैं, लिटरेसी रेट मेजर कर रहे हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट मेजर कर रहे हैं, अटेंडेंस रेशियो या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो. इन ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं, हम किससे डेवलपमेंट करते हैं. एज आई टोल्ड यू कि डेवलपमेंट में क्या होगा, सारे एस्पेक्ट्स आएंगे. तो यहाँ पे भी क्या होगा, पर कैपिटा इनकम है, लिटरेसी रेट है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है या फिर अटेंडेंस रेशियो है, ये सारी चीजें ही मेजर होंगी. अब ये हमें सारे सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, अगर हम कोई भी चीज़ कह रहे हैं, कोई भी चीज़ डेवलप हो रही है या कोई चीज़ डेवलप नहीं हो रही, तो ये हमारे कुछ सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन गैदर होती है. दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इकोनॉमिक सर्वे करती है, उसमें से हमें पता चलता है. यूएन, यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसको यूएनडीपी बोला जाता है. इट इज प्रोनाउंस एज यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. ये भी टाइम टू टाइम हमें बताते हैं कि किस कंट्री किस तरह से डेवलप कर रही है. वर्ल्ड बैंक भी क्या प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट स्टेज प्रोवाइड करता है. या फिर गवर्नमेंट की कुछ साइट्स हैं, जैसे बजटरी साइट्स है, यूएनडीपी साइट्स है, यहाँ से भी हमें पता चलता है कि किस कंट्री में कितनी डेवलपमेंट हो रही है या क्या चांसेस है डेवलपमेंट की. जैसे हम क्या बात कर रहे हैं, हमारी ट्रिलियन में, इकोनॉमी की ट्रिलियन में बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, हमारे चांसेस है डेवलपमेंट के. तो सेम हम यहाँ इन साइट से www.budgetindia.nic.in, www.undp.org.in,
www.worldbank.org. These are the sites which gives the surveys reports regarding the development. Now, we cannot desire for the change without being aware of these. In this the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in the real life. अब देखो, अगर हम development की बात कर रहे हैं, the desire change. Change क्या है? Desirable. Means हम ये क्या कर रहे हैं? वो desired है. वो desirable है. हम सोच रहे हैं कि ऐसा change हो जाए. मुझे मेरी income बढ़ जाए. या मुझे मेरी growth हो जाए. मुझे कोई particular चीज़ मिल जाए. मुझे एक महंगी car मिल जाए. वो मेरा desire है. But actually क्या होगा? वो possibility कब होगी real life में? जब उसके लिए planning होगी या फिर उसमें development process add होगी. That is the main thing. Desire भी तभी fulfill होंगे जब वो एक proper planning से होंगे और उसमें कुछ achievement show होगी. Next क्या आता है? What development program? Different people, different goals. Development भी vary करती है person to person. हर एक person की development उसके according vary करती है. कोई person के development goal कुछ होगा, किसी और person का development goal कुछ होगा. अगर हम बात कर रहे हैं, every person have different development goals. Everyone sees different things. हर किसी का development goal अलग होगा. अगर एक person है, वो farmer है. उसका development goal क्या होगा? एक बहुत बड़ा farmer बनना या एक जमींदार बनना या money lender बनना, इस तरह से. अगर एक educated person है, वो unemployed है, उसका development goal क्या होगा? एक job, अच्छी job लेना. ठीक है, तो वो person to person vary करता है कि किसका development goal किस तरह से है. They see things that are the most important for them, that is that with can fulfill their aspiration and desires. अब इन्होंने क्या बोला? All the time, two person or groups of person may seek things which can be conflicted. अब अगर दो persons हैं, if there are two persons, then they are different. They have different development goals. दो persons के different development goals होंगे, because they vary according to their situation. They vary according to their situations. उनकी क्या situations हैं? वो किस चीज को face कर रहे हैं? वो उनका development goal decide करेगा. Society उनका development goal कभी भी decide नहीं कर सकती. That's why we are saying different people have different development goals. देखो, जैसे इसमें example दे रखा है. Example is a girl expects as much freedom and opportunity as her brother, that he also shares in the household work. Her brother may not like this. अब वो एक girl है, वो क्या कर रही है? उसका development goal क्या है? कि उसको क्या मिल जाए? Freedom मिल जाए. ठीक है, development goal क्या हुआ? Freedom, जो कि उसको उसके brother को मिल रही है, वो same freedom उसको चाहिए. और जैसे वो domestic work या household work कर रही है, उसका brother नहीं करता, तो उसको भी उससे freedom चाहिए. तो ये कैसे vary करता है situation to situation? A farmer depend on rainfall. उसका goal क्या होगा? More development और dams. उसकी development हो या फिर dams बन जाए. A girl from rich urban family, much freedom and study to abroad. An Adivasi from Narmada Valley, better treatment, equality and facilities. देखो, उसको क्या? अब एक farmer है जो rainfall पे depend करता है, उसको क्या चाहिए? या तो उसकी development हो जाए या फिर dams बन जाए. अगर एक girl है जो rich urban family से belong कर रही है, उसका क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा freedom लेना और बाहर जाना, पढ़ने के लिए बाहर जाना, study to abroad. आदिवासी है जो नर्मदा वैली में है, उसका क्या होगा? उसको सबसे पहले क्या चाहिए? बेटर ट्रीटमेंट चाहिए. अगर उसके साथ इक्वालिटी नहीं होती, तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए? इक्वालिटी चाहिए प्लस बेटर फैसिलिटीज चाहिए. तो ये कैसे वेरी करा? पर्सन टू पर्सन क्या वेरी करा? डेवलपमेंट गोल्स भी वेरी करे. कि अगर कोई एक पर्सन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके डेवलपमेंट गोल्स भी उसी कैटेगरी से ही बिलोंग करेंगे. So this is the quite clear that different person have their different development goals, and two what may be development for one may what may not be the development. अगर एक के लिए कोई भी development है, जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी development होगी. It may even destructive for others. अगर एक के लिए वो development है, तो जरूरी नहीं है दूसरा भी ये सोचता होगा कि वो उसके लिए development है. वो ये सोचता होगा ये तो बेवकूफी है, या ये तो गलत है, ये कोई development goal है, या ऐसी development होती है. तो वो वेरी करता है हर पर्सन की थिंकिंग पे. तो बेसिकली हमें क्या करना है? हर पर्सन की डेवलपमेंट गोल
इनकम एंड अदर गोल्स में क्या होगा, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे वे और अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट फ्रीडम सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट टू अदर ऑफ अदर्स ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स. अब देखो हमने एक तो इनकम गोल्स करे, इनकम गोल्स में क्या होगा मोर इनकम, बट अदर गोल्स की अगर हम बात करें इसके अलावा भी हमारे कुछ गोल्स होंगे. वो कैसे होंगे कि हमें क्या चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए. इफ वी आर बिलोंगिंग टू सच सच अ कास्ट और सच अ कंडीशन तो क्या चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए. दूसरा फ्रीडम नहीं है तो फ्रीडम चाहिए. ठीक है, हमारे पास जॉब है या फिर पैसे हैं बट फ्रीडम नहीं है तो क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए. सिक्योरिटी चाहिए, लाइफ सिक्योरिटी भी हो सकती है वो या किसी और चीज़ की सिक्योरिटी भी हो सकती है. या फिर हमें क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए. इफ़ वी आर हैविंग लॉट ऑफ मनी बट नॉट रिस्पेक्ट देन रिस्पेक्ट इज द डेवलपमेंट गोल्स. सो मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लीव. हर एक चीज़ मटीरियल गुड्स नहीं होती या फिर नॉन मटीरियल गुड्स नहीं होती, हर चीज़ वेरी करती है डेवलपमेंट या फिर पर्सन टू पर्सन. मनी और मटीरियल थिंग दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी ऑफ आर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटीरियल थिंग. देखो मटीरियल थिंग के साथ साथ कुछ ऐसी नॉन मटीरियल थिंग्स भी होती हैं, लाइक अगर हमें मनी तो बहुत मिल रही है बट इनमें से कोई भी एक चीज़ है जो हमें नहीं मिल रही है, सारी चीज़ें ही नहीं मिल रही, तो ये भी क्या है, हमारी डेवलपमेंट गोल के अंदर ही आएगा, हमारी डेवलपमेंट गोल का पार्ट है. दिस इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट गोल बिकॉज ओनली द मटीरियल थिंग्स आर नॉट इनफ, समटाइम नॉन मटीरियल थिंग्स आर गिविंग मच मोर सेटिस्फेक्शन देन द मटीरियल थिंग. मतलब जरूरी नहीं है मनी ही हमें मेन सेटिस्फेक्शन दे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सेटिस्फेक्शन बेटर दे मनी के कंपेरिजन. सो दिस इज अबाउट द इनकम एंड अदर गोल्स. एग्जाम्पल, इफ एनी वन गेट अ जॉब इन फार और फार ऑफ द प्लेस, अगर किसी को अपने घर से दूर जॉब मिल रही है तो उसका सबसे पहली चीज उसके माइंड में क्या आएगी या फिर वो सबसे पहले क्या चीज सेट करेगा, दैट इज बिफोर एक्सेप्टिंग ही और शी वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स, सम फैक्टर ही और शी विल कंसिडर लाइक द फैसिलिटी अवेलेबल, देयर आर द फैसिलिटी अवेलेबल, फैमिली. सबसे पहले वो अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, वहाँ का वर्किंग एटमोसफेयर कितना है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कितनी है लर्न करने की, या फिर वहाँ का जो फैसिलिटीज़ हैं नियर बाय, जो फैसिलिटीज़ हैं जो फैमिली के लिए रिक्वायर्ड है वो कैसी है, तो वो वेरी करता है पर्सन की डेवलपमेंट गोल के साथ साथ उसकी नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी, वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है. बिकॉज अगर कोई एक पर्सन अपने घर से दूर जा रहा है जॉब करने के लिए तो उसको ये चाहिए कि उसको उसकी फैमिली सिक्योर हो वहाँ पे. अगर वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो उसको ये चाहिए कि उसकी फैमिली सिक्योर हो, या फिर उसकी फैमिली की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे से अवेलेबल हो, या उसके लिए अगर वो अकेला भी जा रहा है, वो पर्सन अकेला जा रहा है जा रही है, तो उसके लिए ये भी मैटर करता है कि वहाँ का एटमोसफेयर कैसा है या फिर वहाँ पर उसको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी लर्न करने की. सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल हैव लैक एट द मिक्स ऑफ गोल्स. अब हर पर्सन के लिए क्या होते हैं, सब मिक्स गोल्स होते हैं. सो डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट द बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ. अब सिर्फ इनकम हम ये बोलते हैं, इनकम इज द मेन आस्पेक्ट. सबसे मेन आस्पेक्ट क्या है किसी एक पर्सन का, इनकम. बट अगर हम एक्चुअल में बात करें, इनकम इज नॉट ओनली द, ऐसा नहीं है इनकम ही नहीं, इनकम नहीं है, इनकम इज नॉट ओनली द, सिर्फ इनकम नहीं, इनकम है बट इनकम के साथ साथ और भी डेवलपमेंट गोल्स है, लाइक फैसिलिटीज है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है. दीज आर द गोल्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ. ये गोल्स भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट. अब ये तो हमने बात करी थी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की, नाउ वी कंसिडर अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. हम अपने नेशन की डेवलपमेंट कैसे करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन द माइंड दैट डिफरेंट पर्सन वुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट. हर पर्सन का कंट्री डेवलपमेंट भी गोल अलग हो सकता है. ऑल्दो अगर हम बात करते हैं कंट्री की डेवलपमेंट की तो हम दो एस्पेक्ट लेते हैं. सबसे पहले तो
एक होती है हमारी डेवलपिंग कंट्री, एक होती है हमारी डेवलप्ड कंट्री। अब एक मेजर डिफरेंस होता है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में। अगर कोई भी कंट्री, जरूरी नहीं है कंट्री में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं या कोई बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं कंट्री में, तो वो कंट्री क्या हो गई, डेवलपिंग कंट्री हो गई, ठीक है, बट या डेवलप्ड कंट्री हो गई। बट इसमें एक मेजर चेंज आता है, वो आता है पॉवर्टी एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो हम 1% के लिए स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज हर कंट्री में एजुकेशन अवेलेबल है या फिर फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसका भी एक पॉइंट है दैट आई विल टेल यू लेटर, बट बिफोर दैट वी आर कंसीडरिंग टू मेन एस्पेक्ट, दैट इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसे कंसेप्ट हैं, अगर किसी कंट्री में इसका रेट परसेंटेज ज़्यादा है तो वो कंट्री डेवलपिंग है, डजेंट मैटर उस कंट्री में कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है या वो कितने अच्छे से वर्क कर रही है। अगर पॉवर्टी ज़्यादा है या अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो वो कंट्री किसकी कैटेगरी में है, डेवलपिंग कंट्री की। और अगर किसी कंट्री में पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो वो डेवलप्ड कंट्री में है। सेकेंड मैंने आपको बोला एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी फेमस पर्सन ने ये भी बोला है कि इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, डिस्ट्रॉय द एजुकेशन सिस्टम। अगर आप किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करो। सो एजुकेशन इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसलिए हम बोलते हैं कि एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो कंट्री में कितनी भी टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी आ जाए कहीं से भी, बट वो कंट्री ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि जब उसके विद इन एरिया मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर पीपल अच्छे से नहीं स्किल्स डेवलप कर पा रहे तो बाहर से हम मैक्सिमम स्किल्स नहीं ला सकते। सो वी आर कंसिडरिंग अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। स्टेट्स यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर हम नेशनल लेवल सॉरी वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो एक कंट्री को स्टेट बोला जाता है। सो द थिंग इज दैट सम कंट्रीज आर कॉल्ड डेवलपिंग वाइल्ड अदर आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। किसी को डेवलपिंग बोला जाता है, किसी को डेवलप बोला जाता है। वी कंपेयर डिफरेंट थिंग दैट दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल डिफरेंसेस। हर कंट्री में कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, और वो वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री। हो सकता है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री के डिफरेंसेस सेम हो या सिमिलरिटीज हो, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर द मेन थिंग इज फोकस ऑन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जाता है, क्योंकि जब पॉवर्टी रेशियो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम होगा तभी वो कंट्री किस में आएगी, डेवलपिंग से डेवलप में आएगी। और एजुकेशन एज आई टोल्ड यू एजुकेशन इज द मेन वेपन, बिकॉज इट इज सेड दैट इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री डिस्ट्रॉय द एजुकेशन सिस्टम। सो लाइक एन एग्जाम्पल, इन अ क्लास स्टूडेंट में डिफर इन हाइट हेल्थ टैलेंट एंड इंटरेस्ट। एक क्लास में हो सकता है एक स्टूडेंट का हाइट अलग हो, टैलेंट अलग हो, हेल्थीएस्ट कोई हेल्थीएस्ट है कोई हेल्थीएस्ट नहीं है, बट जरूरी नहीं है जो हेल्थीएस्ट स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट है या जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो हेल्थी है, या फिर उसकी हाइट अच्छी है या फिर उसकी जो अपीयरेंस है वो अच्छा है। तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हम क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग कैन नॉट बी डन टू अकॉर्डिंग टू द ऑल एस्पेक्ट। हर एक एस्पेक्ट को लेके हम कंपेयरिंग कभी भी नहीं कर सकते। जब भी हमें कंपेयरिंग करनी होती है, हमें एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स लेने होते हैं, उसको फिक्स करना होता है कि इन्हीं एस्पेक्ट से मेजर होगा डेवलपमेंट का या जो भी हम सर्वे कर रहे हैं उसका, उसके बाद ही बताया जाएगा कि वो एक्चुअली फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। लाइक इफ आई एम सेइंग यू, हम एक सर्वे कर रहे हैं और उस सर्वे में हम क्या ले रहे हैं, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट कि किसकी कितनी मैक्सिमम सेल्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे कि हमें किस प्रोडक्ट्स की चेक करनी है सेल्स, और हम उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्टर्स पूछेंगे, बाकी किसी और प्रोडक्ट के फैक्टर्स नहीं पूछेंगे। तो यही में इसी में हम अप्लाई करेंगे कि डेवलपमेंट गोल्स भी हैं या फिर नेशन डेवलपमेंट, कोई भी तरह के डेवलपमेंट है, कोई भी सर्वे है, उसमें हम पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स लेके चलते हैं, क्योंकि जब तक वो एस्पेक्ट्स होंगे तभी तक हम ये मान सकते हैं कि कंपैरिजन हो सकता है। हर एक एस्पेक्ट को लेके कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज यूजुअली वी टेक वन
इनकम, ठीक है। इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू कंपेयर द कंट्री। कंट्री विद द हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन द अदर विद द लेस इनकम। और ये हम कैसे मेजर करते हैं? पर कैपिटा इनकम, नॉट विद द नेशनल इनकम, इट इज रिलेटेड टू द पर कैपिटा इनकम। बिकॉज इन द नेशनल इनकम इट कैन बी वेरी ड्यू टू द पॉपुलेशन। ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसीडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। जितनी इनकम ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, हमारे कंट्री की डेवलपमेंट ज्यादा होगी। जितने हमारे पास पैसे होंगे उतना ही हम बजट ले सकते हैं। एज डिफरेंट कंट्रीज हैव द डिफरेंट पॉपुलेशन कंपेयरिंग टू द टोटल इनकम विल नॉट बी द व्हाट द एवरेज पर्सन कैन बी, वी कंपेयर द एवरेज इनकम। सो एज आई टोल्ड यू कि हम नेशनल इनकम जो है हमारी, जो हमारी नेशनल इनकम है, उस एस्पेक्ट को हम नहीं लेते फॉर द कंपैरिजन। वी आर टेकिंग एज पर कैपिटा इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी इनकम होती है उस इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइडेड कर देते हैं और वो निकल आती है हमारी एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। एज हेयर आई रिटन द फॉर्मूला ऑल्सो, एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ऑल द एस्पेक्ट एज आई एम टेलिंग यू हेयर, लाइक एवरेज इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, ऑल द पॉइंट्स विल बी कम इन द वन मार्क क्वेश्चन। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द वन मार्क क्वेश्चन, सो यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी पॉइंट। इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम इज यूज टू क्लासीफाई द कंट्री। अब वर्ल्ड की डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम हमको इनकम को कैसे यूज करते हैं कंट्री को क्लासीफाई करने के लिए। लाइक कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ रुपीज यूएस डॉलर 12,056 पर एनम इज अबव इन 2020 आर रिच कंट्रीज। मींस जिन कंट्रीज की इससे ज्यादा यूएस डॉलर 12,056 डॉलर से ज्यादा है पर कैपिटा इनकम पर एनम की, वो क्या है, रिच कंट्रीज है। और जिनकी 955 यूएस डॉलर से कम है वो क्या है, लेस इनकम कंट्रीज है, ठीक है। जैसे हमारी इंडिया है उसको बोला जाता है लो मिडिल इनकम कंट्री। नेक्स्ट आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब हम इनकम एंड अदर क्राइटेरिया को कैसे लेते हैं? हम इनकम का क्राइटेरिया तो लेते हैं बट कुछ और क्राइटेरिया भी लेते हैं जिससे कंट्री की डेवलपमेंट या किसी एक स्टेट की डेवलपमेंट मेजर होती है। एज द नेशन और रीजन बिसाइड द एवरेज इनकम एंड पब्लिक फैसिलिटी इक्वली सिग्निफिकेंट एंड एट्रीब्यूट्स। अब क्या है, हर एक चीज दी जाती है। लाइक अगर हम ये बोल रहे हैं ये स्टेट है, ये इनकी पर कैपिटा इनकम है, सबसे हाईएस्ट महाराष्ट्र की है, केरला की उससे कम है, बिहार की उससे कम है, तो हाईएस्ट में क्या आया महाराष्ट्र और सबसे बॉटम में क्या आया बिहार। बट अगर हम बाकी फैसिलिटीज से कंपेयर करें महाराष्ट्र में ये जो एवरेज इनकम है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बिहार, तो हम ये बोलेंगे महाराष्ट्र की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है बिहार से, तो महाराष्ट्र इज मोर डेवलप्ड देन बिहार एंड केरला। बट अगर हम जब पब्लिक फैसिलिटीज पे आएंगे तो वो डिफरेंट होगा। सम अदर कंपैरेटिव डाटा। अब ये सारे जो टॉपिक है एज आई रिटन वन मार्क्स टॉपिक, ये वन मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं IMR, इसका मतलब क्या होता है, दैट इंडिकेटेड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ वन ईयर। अगर एक चाइल्ड एक साल की एज अटेन करने से पहले मर जाता है तो उसको हम लेते हैं इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। मोर्टैलिटी रेट तो हमारा क्वालिटी जो हमारा डेथ रेट से मेजर होता है। इन्फेंट क्या है, चाइल्ड का, एक छोटे बच्चे का, 0 to 1 year के बच्चे का। सो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट में क्या होता है, अगर एक चाइल्ड जो 1 year की एज कंप्लीट करने से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, IMR के अंदर कंसिडर करते हैं। लिटरेसी रेट जो 7 year या उससे अबव एज ग्रुप का है, अगर वो रीडिंग और राइटिंग कर सकता है तो उसको हम लिटरेट बोलते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो 14 to 15 ईयर्स के कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं उसकी परसेंटेज को बोलते हैं हम नेट अटेंडेंस रेशियो। अगेन आई एम टेलिंग इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट इज द
die before attaining the age of 1 year. एक साल की एज पूरी करने से पहले अगर एक बच्चा मर जाता है तो. लिटरेसी रेट 7 से ज़्यादा साल का बच्चा जो है वो अगर रीडिंग और राइटिंग कर सकता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज अ लिटरेट. नेट अटेंडेंस रेशियो, एज अटेंडेंस इज काउंटिंग इन आर स्कूल. अटेंडेंस क्या होती है, अगर आप आ रहे हो तो वो आपका अटेंडेंस में आएगा, अगर आप नहीं आ रहे तो एब्सेंटीज में आएगा. सो 14 और 15 ईयर्स के बच्चे जो हैं, एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, कितने परसेंट स्कूल अटेंड करते हैं, वो क्या है नेट अटेंडेंस रेशियो. अब मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र, केरला और बिहार इनकम मीन्स पर कैपिटा इनकम, और यू कैन सी दैट इनकम एसेंस. बट सेम हम क्या कर रहे हैं अब आईएमआर. देखो अब इसमें हमने क्या दे रखा है, आईएमआर लिटरेसी रेट नेट अटेंडेंस रेशियो. महाराष्ट्र में आईएमआर ज्यादा है, बिहार में उससे भी ज्यादा है, केरला में कम है. तो मतलब यहाँ की फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि आईएमआर ज्यादा होना इज नॉट अ गुड साइन. आईएमआर का मतलब क्या है, डेथ बढ़ रही है, छोटे बच्चों की डेथ बढ़ रही है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है या हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है. सो यहाँ पे क्या है, केरला में एज महाराष्ट्र की इनकम ज्यादा थी, केरला की इनकम महाराष्ट्र से कम थी, बट आईएमआर महाराष्ट्र सॉरी केरला में कम है. अगर हम लिटरेसी रेट देखें, यहाँ पे भी केरला में लिटरेसी रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र एंड बिहार. एंड नेट अटेंडेंस रेशियो इज द सेम, कि यहाँ पे 78 है और यहाँ पे 64 और 35 है. तो इन टोटल अगर हम बात करें पर कैपिटल इनकम को छोड़ के, अगर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मेजर करें, तो केरला में ज्यादा बेटर फैसिलिटीज हैं एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र. एज वी सेड दैट महाराष्ट्र इज मोर डेवलप्ड स्टेट कम्पेयर टू केरला. बट इन द इफ यू विल टॉक अबाउट द फैसिलिटी पार्ट, देन केरला हैव मोर फैसिलिटीज देन महाराष्ट्र. एंड बिहार इज लैकिंग एट द बैक. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पब्लिक फैसिलिटीज. अब पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है, पब्लिक फैसिलिटीज आप 8th में भी कर चुके हो, 9th में भी कर चुके हो. पब्लिक फैसिलिटीज बेसिकली क्या होती है, जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को फॉर द वेलफेयर पार्ट, वो होती है हमारी पब्लिक फैसिलिटीज. अब उन्होंने ये बोला, दे आर सेवरल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड वाटर. अब ये सारी क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है किसको, अपने सिटीजन्स को. द मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन. सो वी आर सेइंग मनी, मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लीव. अब अगर हमारे पास पैसे हैं, इट डजंट मीन कि हम कुछ भी कर सकते हैं. अगर पैसे हैं ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उससे कुछ भी पर्स पाए कर सकते हैं. एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ इज द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वेज टू प्रोवाइड द दीज कलेक्टिवली. अब पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एज हमने केस स्टडी करी है महाराष्ट्र की और केरला की, वो तो अगर हम इनकम के लेवल में बात करें तो ये हाई है, बट अगर हम फैसिलिटीज के लेवल में अगर हम बात कर रहे हैं, फैसिलिटीज के लेवल में अगर हम केरला की बात कर रहे हैं, तो केरला में फैसिलिटीज अच्छी हैं एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र. तो ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ मनी से मिले, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है और वो भी हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं. नेक्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है, डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन बींग, कैसे ह्यूमन बींग डेवलप करता है. इट इज़ एन एडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. अब ये क्या है, एडिक्वेट मेजर है डेवलपमेंट लेवल का, जिसमें क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनडीपी. एज आई टोल्ड यू इन द वेरी स्टार्टिंग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये दोनों कौन प्रोवाइड करता है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. वो क्या करते हैं, दे आर कंपेयरिंग कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम. वो क्या करते हैं, कंट्रीज को कंपेयर करते हैं उनके एजुकेशन सिस्टम से,
फिर हमारी एजुकेशन या फिर हेल्थ स्टेटस क्या बताता है, वहाँ पे फैसिलिटीज कितनी बेटर है। अब सेम हमने क्या करा, एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, जो क्या करता है, हर एक कंट्री के बारे में बताता है कि उसकी रैंकिंग कितनी है। ठीक है, अगर मैं ये बता रही हूँ कि हर कंट्री की मैंने लिस्ट बना ली, उसके बाद मैं ये बता रही हूँ कि ये कंट्री इतने नंबर पे है, ये कंट्री इतने नंबर पे है। जैसे कि हमने करा था इंडिया साइज एंड लोकेशन में, नाइन्थ क्लास में हमने क्या करा था, इंडिया सेवन नंबर पे है। तो सेम हम क्या, एच डी आई क्या करता है, रैंकिंग बताता है कि कौन सी कंट्री की रैंकिंग क्या है। अब ये और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वन मार्क्स के लिए हैं, जैसे हमने पहले एच डी आई करा। अब क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम क्या सोचते हैं कि एवरेज एक पर्सन कितने साल जिएगा या उसकी एवरेज लाइफ कितनी होगी। अगर हम 1947 की बात करें, 1947-48 की बात करें, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो था 33 इयर्स। और अगर हम अभी करंट की बात कर रहे हैं तो ये कितना है, अराउंड 69.7 इयर्स, मीन अराउंड 70 इयर्स। दैट इज, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज, एंड दीज डिफरेंट डिपेंड ऑन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन द कंट्री। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या होता है कि जब हम मेजर करते हैं एक पर्सन एवरेज कितनी उसकी लाइफ होगी। नेक्स्ट आता है पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम मैंने आपको पहले भी बताया था, और पर कैपिटल इनकम किस में कैलकुलेट होती है, डॉलर में। हम एक वैल्यू लेके चलते हैं डॉलर की, जो कि हर एक कंट्री के लिए सेम होगी। तो हम हर एक चीज़ किस में मेजर करेंगे, डॉलर में, यूएस डॉलर में मेजर करेंगे, जो हमने अराउंड 70 रुपीज़ के एवरेज पे ले रखा। ठीक है, तो पर कैपिटल इनकम भी उसी के अकॉर्डिंग ही मेजर होती है। नेक्स्ट इज BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसका फॉर्मूला, इसकी कैलकुलेशन या इसका मीनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वन मार्क क्वेश्चन। सो बॉडी मास इंडेक्स दैट कैन बी यूज टू स्क्रीन द वेट इन हाइट। बेसिकली इसको क्या डायग्नोज करते हैं, हम वेट इन हाइट करते हैं किसी एक पर्सन की, वेट कितना है, उसके बाद उसकी हाइट कितनी है। वेट इन किलोग्राम, हाइट इन मीटर, और इसका स्क्वायर वैल्यू। लाइक मैंने बोला, वेट है 50, हाइट की एवरेज हमने सेंटीमीटर में ली 70, तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ये हमारा निकलेगा BMI, बॉडी मास इंडेक्स। दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला में पूछा जा सकता है क्या होता है BMI, क्या स्टैंड करता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर उसका मीनिंग क्या होता है, या कैसे निकालते हैं। दिस कैन कम इन द वन मार्क क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 3 and 5 marks क्वेश्चन इन द बोर्ड, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरह से क्या है, जब हम ये बोलते हैं हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, हमने 8th में भी पढ़ा था रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है, हमें रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि हम उसको अभी के लिए भी यूज़ कर लें और फ्यूचर की जनरेशन है उनके लिए भी संभाल के रखें। मतलब कि रिसोर्सेज जो है हमें उसको अभी भी यूज़ करेंगे उसको, और ये नहीं कि उसका वेस्टेज करनी है, और अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी संभाल के रखेंगे ताकि वो रिसोर्सेज उनके लिए भी कंजर्व रहे। दैट इज एक्चुअली द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड विद दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टुडेज लाइफ। सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। मतलब द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी से हमें बहुत सारे साइंटिस्ट वॉर्न कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं डेवलपमेंट, जिस तरह से हम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह से होगी, जो हम अभी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसको फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, उसकी वेस्टेज नहीं करनी है, और फ्यूचर के लिए भी उनको संभाल के रखना है ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सके। क्योंकि जिस तरह से अभी हम उसको यूज़ कर रहे हैं या फिर हम उसकी अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इस तरह से हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। सो दैट इज द थिंग दैट साइंटिस्ट आर कीप अस वार्निंग दैट दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। ये आपके बुक में दो एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है ग्राउंड वाटर का, ग्राउंड वाटर है इंडिया। सो करेंटली
द इशू वी आर फेसिंग विद द वाटर. अभी जो हम करेंटली इशू फेस कर रहे हैं वो वाटर का है. और अगर आप देखोगे हर जगह ट्यूबवेल्स का यूज होता है और वहां पे एक्सेस यूज होता है प्लस वेस्टेज होती है उस वाटर की. तो इसके लिए क्या है, अगर हम इसी तरह से ग्राउंड वाटर का यूज करते जाएंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो हमारे लैंड के नीचे का जो वाटर का लेवल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगी, वो लैंड बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, ड्रॉट की कंडीशन आ जाएगी, सूखे की कंडीशन आ जाएगी. तो इसके लिए हमें क्या करना है, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट को भी मेजर करना है क्योंकि ये हमारा सोर्स सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है. और ये कैसे हो सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू भी हो सकता है और जो हमारे इन द होम विद इन द होम जो हमारी हार्वेस्टिंग होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है या फिर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगते हैं विद इन द होम वो भी हमें अप्लाई करने चाहिए ताकि जो एक्सेस वाटर है हमारा वो वापस ग्राउंड में ही चला जाए और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उसको क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें. जितना अवेलेबल है उसको उसी को यूटिलाइज करना एज कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करना. और ये आपको एक ये केस स्टडी दे रखी है आपकी बुक में, इसके अलावा एक और केस स्टडी भी दे रखी है जो आपको रीड करनी है. सो दिस इज अबाउट द टुडेज टॉपिक. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू वॉच द वीडियो अगेन सो दैट यू कैन सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम. एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट रीडिंग द चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्लास बिकॉज 10th क्लास में कोई भी क्वेश्चन किसी भी लाइन से फॉर्म हो सकता है. सो रीडिंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट और इट इज अ कंपल्शन. सो दिस इज अबाउट द टुडे टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. अप टू दैट हैप्पी लर्निंग.